झारखंड के पलामू में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद थे। सिंह ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल के नेता पूछते हैं कि हमारे वीर जवानों ने कितने आतंकवादियों को मार गिराया। मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारे वीर जवान मारने के बाद लाशें नहीं गिना करते, लाशें गिद्ध गिनते हैं। सेना के जवान गए थे तो कितने आतंकवादियों को मारा? मेरे भाइयों, कोई बहादुर यदि कहीं जाता है तो मारने के बाद क्या खड़े होकर वहां पर लाशें गिनता है? मुझे मालूम है कितने लोग मारे गए, लेकिन मैं यहां उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जगत में इसकी तरह तरह की चर्चाएं होती है, इसलिए उसका मैं यहां उल्लेख नहीं करना चाहता। कूटनीतिक दृष्टि से भी इसकी चर्चा करना कोई उचित नहीं होगा, लेकिन आपको भी मालूम है वीर जो होता है मेरे भाइयों वह लाशें नहीं गिनता है, जो गिद्ध होता है वही लाशें गिनता है। वीर कभी लाशें नहीं गिना करता, गिद्ध लाशें गिना करता। साथ ही उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी लोगों को बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करिश्माई काम किया है, जिससे कि आज पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ा है। आपने इस आजाद भारत में बहुत सारी सरकारों को काम करते हुए देखा होगा। पिछले 5 वर्षों से आप हम लोगों की सरकार को भी काम करते हुए देख रहे हैं। मेरे भाइयों, भारत नहीं दुनिया के लोग ये कहते हैं, 5 वर्षों के अंदर नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने भारत में करिश्माई काम किया, यानी हमारा जो यह भारत 2014 में दुनिया के टॉप के 10 देशों में जो 9वें स्थान पर था अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, वह उछल कर बहनों भाइयों आज 6वें स्थान पर पहुंच गया है। यह कामयाबी भारत को मिली 2031 साल से आगे रूस, चीन और अमेरिका जो दुनिया के सबसे ताकतवर देश माने जाते हैं, उनमें से एक देश को पीछे छोड़कर टॉप 3 देशों में आकर खड़ा हो जाएगा। हमारा भारत इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में 2008 से 2014 के दौरान सिर्फ 25 लाख आवास गरीबों को उपलब्ध कराए गए, जबकि बीजेपी के मात्र 4.5 सालों में 1,30,00,000 आवास गरीबों को उपलब्ध कराए गए हैं। मेरे भाइयों, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है, हम किसी की कार्यशैली पर कोई सवालिया निशान नहीं खड़ा करना चाहते, लेकिन अपने प्रधानमंत्री की कार्यशैली के बारे में मैं कहना चाहता हूं। पिछली सरकार कांग्रेस की थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे 2008 से लेकर 2014 तक। उन्होंने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाए थे। उस समय 2008 से लेकर 2014 में 25 लाख मकान उन्होंने बनवाए 6 वर्ष में। और कान खोलकर सुन लीजिए, लेकिन हमारी सरकार में 2014 से लेकर 2018 समाप्त होते होते केवल 4-4.5 वर्षों में 1,30,00,000 मकान बनवाकर लोगों के हवाले कर। आपको बता दें कि झारखंड में 29 अप्रैल को 3 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर सभी दलों के नेता एक दूसरे पर जोरदार हमला कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पलामू से प्रभुदयाल तिवारी की रिपोर्ट।